हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टेस्टी एग फ्राइड राइस का रेसिपी देखेंगे। ये चाइनीज़ एग फ्राइड राइस का रेसिपी है। इसके लिए पहले एक कप बासमती राइस लेंगे, उसको पका के बाजू के रखेंगे। एक बाउल में ऐसा चार अंडे बीट करके लेना है, उसमें थोड़ा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करके बीट करना है। उसके बाद में स्टोव के ऊपर ऐसा एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम होने के बाद इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। यह तेल गरम होने के बाद बीट करके रखे सोए एग का मिक्सर इसमें डालेंगे। सो स्टोव को हाई फ्लेम में रखना है। फ्लेम को हाई रखे तो ये एग जो है ना वो फ्लफी आएगा। देखिए ये कुक करके रखे सो चावल है। पकाते वक्त थोड़ा उसमें ऑयल भी डाले तो ऐसा फूल फूल आएगा। अब थोड़ा एग ऐसा बनते गई ना, हार्ड बनते जा रही ना, जब थोड़ा थोड़ा हल्लू ऐसा हिलाना। ऐसा हिलाते हुए थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई करना। और चावल पकाते वक्त थोड़ी देर चावल भिगा के पकाए तो राइस अच्छा ऐसे ग्रेन्स अच्छे लंबे लंबे फूल फूल आएगा। आपको राइस अच्छे से कुक होगा। देखिए ऐसा हिलाते हुए ऐसा एग को फ्राई करना है। ऐसा एग फ्राई को ऐसा थोड़ा कलर ऐसा आने तक, थोड़ा लाइट ब्राउन आने तक ऐसा फ्राई करना है। अब इसमें बारीक काटे सो प्याज डालना है, बारीक काटे सो हरी मिर्च, कैरेट, कैप्सिकम पीसेस पूरे बारीक काट के ऐसा डालना है इसमें। ऐसा सब मिलाते हुए हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें हम लोग कुक करके रखे सो चावल डालना है। चावल पहले ही कुक करके रखना है। गरम गरम चावल डाले तो पेस्ट के जैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा राइस। इसलिए चावल पका के थोड़ा ठंडा करके रखना है। ऐसा चावल डालेंगे इसमें। अब इसमें नमक डालेंगे। ऐसा अच्छे से मिक्स करने के बाद टेस्ट के हिसाब से ऐसा नमक डालेंगे। अब इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड करना है। ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा 2-3 मिनट ऐसा फ्राई करिए, मिक्स करते हुए फ्राई करना है। अब इसमें थोड़ा स्प्रिंग ऑनियंस ऐड करेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद ऐसा बारीक काट के स्प्रिंग ऑनियंस डाल के अच्छे से एक बार मिक्स करना है। मिक्स करके अब स्टोव पे से निकाल के सर्विंग बाउल में निकाल दीजिए। अब ये चाइनीज स्टाइल फ्राइड राइस रेडी हो गई है। आप भी आपके घर में ट्राई करिए। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।